नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लचार जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे। 72 वर्षों बाद नवंबर में महालक्ष्मी योग, 7 राशियों की लगने वाली है लॉटरी। दोस्तों, समय के साथ साथ ग्रहों और नक्षत्रों के चाल के अनुसार राशियों में बदलाव आते रहते हैं। ग्रहों और नक्षत्रों के चाल के अनुसार ही मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे और बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्योतिष के अनुसार अगले आने वाले नवंबर 2021 के महीने में महालक्ष्मी योग बनने जा रहा है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। नवंबर के महीने में महालक्ष्मी योग बनने के चलते कुछ विशेष राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि बरसने वाली है। इनके जीवन में अब बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इन राशि वाले लोगों के ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सबसे ज़्यादा बनी रहेगी। इन राशि वाले लोगों को जीवन में आने वाले समय में बहुत ही शुभ रहने वाला है। जो भी ये लोग व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए इस आने वाले समय नवंबर के महीने में काफ़ी शुभ रहने वाला है। बता दें कि इस दौरान व्यापार के क्षेत्र में अपार सफलताएं प्राप्त होंगी। अगर आप कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो निवेश करने से पहले अच्छी तरह से आप जांच पड़ताल अवश्य कर लें। बता दें दोस्तों कि इस दौरान अपने पुराने मित्रों से मुलाकात कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके लिए यह समय बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। दोस्तों, इन राशि वाले लोगों को अब 72 वर्षों के बाद बन रहे इस महालक्ष्मी योग की वजह से नवंबर का महीना काफ़ी लकी रहने वाला है। अब इन्हें काफ़ी अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। दोस्तों, बता दें कि नवंबर के महीने में दीपावली का पर्व भी मनाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, दीपावली का पर्व तो वहीं धनतेरस का पर्व भी बन रहा है। तो माता लक्ष्मी जी ऐसे महाशुभ संयोग में और भी ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में रहेंगी, जिसके चलते कुल विशेष ऐसी 7 राशियाँ हैं जिनकी लॉटरी लगने वाली हैं। दोस्तों, इस दौरान परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सकता है। ऐसे आप अपने जीवन में किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ भी प्राप्त होगा। आपके परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, और बता दें कि नवंबर 2021 के महीने में इस महालक्ष्मी योग के बनने के चलते अब आपके बिजनेस व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही सैलरी में वृद्धि तो वहीं प्रमोशन के योग बनेंगे। कई महत्वपूर्ण राजयोग धन योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, वहीं बता दें कि अमृत सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण होगा नवंबर के महीने में। लेकिन सबसे बड़ा जो योग बन रहा है वो है महालक्ष्मी योग। दोस्तों, बता दें कि नवंबर के महीने में दीपावली का महापर्व भी मनाया जाएगा। जी हाँ, यानी कि दीपावली का महापर्व और धनतेरस जैसे महापर्व बन रहे हैं। 2 नवंबर को जहाँ धनतेरस, तो वहीं 4 नवंबर को दीपावली का पर्व बनेगा। ऐसे शुभ संयोग में महालक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिसके चलते पूरा नवंबर का महीना इन 7 राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी लकी रहने वाला है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आखिर ये कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके ऊपर महालक्ष्मी जी मेहरबान होने वाली हैं इस नवंबर 2021 के महीने में। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बता दें कि जो सबसे पहली और खुशनसीब राशि है वो है यहाँ पर मेष राशि। मेष राशि के जातकों, बता दें कि अब धन की देवी माता लक्ष्मी जी नवंबर के महीने में इस महालक्ष्मी योग के बनने के चलते आपके ऊपर बेहद प्रसन्न हो चुकी हैं। बिजनेस व्यापार में तेजी आएगी। रुका व फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। लॉटरी सट्टे में लाभ होगा। इनकम आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। नौकरी में पदोन्नत के साथ साथ सैलरी में वृद्धि होगी। बैंकिंग के क्षेत्र से आपका लोन वगैरह मंजूर हो सकता है। आमदनी आपकी दुगनी होगी पहले से कहीं ज़्यादा। तो वहीं बड़े बुजुर्गों के साथ उठना बैठना और मान सम्मान प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगली यानी जो दूसरी राशि आती है वो है दोस्तों, बता दें यहाँ पर सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, अब आपकी किस्मत तेजी से चमकेगी क्योंकि माता लक्ष्मी जी के कदम नवंबर के महीने में आपके घर में पड़ने वाले हैं, जिसके चलते अब आपकी सोई हुई किस्मत अब चमकने वाली है। दोस्तों, इतना ही नहीं, बता दें कि नवंबर के महीने में अब आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता 100% मिलती नजर आएगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय में काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। जो भी कार्य करेंगे 100% सफलताएँ आपको मिलती नजर आएगी। बता दें दोस्तों कि इसमें स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई पर काफ़ी मन लगेगा। अब जो दोस्तों बता दें, अगली यानी जो तीसरी राशि आती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, बता दें कि नवंबर के महीने में इस महालक्ष्मी योग के बनने के चलते अब आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि रहेगी, जिसके कारण अब आप आसानी से कोई भी काम कर पाएंगे।
जिन कामों को करने में आपको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, अब नवंबर के महीने में आसानी से कर पाएंगे। साथ ही आपका वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा और अविवाहित जातकों के विवाह में रिश्तों की बात चल सकती है। साथ ही साथ बता दें कि विवाह बंधन में भी बनते नजर आएंगे, तो वहीं जीवन साथी का भरपूर प्यार मिलता नजर आएगा और साथ मिलेगा। संतान प्राप्ति के रूप में बड़ी खुशखबरी मिलती नजर आएगी। संतान संबंधी समस्याएं आपके दूर होंगे। संतान की कामयाबी और तरक्की से आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, तो वहीं समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए दोस्त की दस्तक हो सकती है। दोस्तों बता दें, अगली यानी जो चौथी राशि आती है दोस्तों, वो है यहाँ पर दोस्तों धनु राशि। धनु राशि के जातकों, नवंबर का महीना आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। अनेकों प्रकार के लाभ आप कमा पाएंगे। साथ ही रुका हुआ तमाम कार्य जो आपका था काफ़ी दिनों से, वो पूरा होगा। साझेदारी में किए गए बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होगा, यानी कि पार्टनरशिप में अगर व्यापार करते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। वहीं पढ़ाई लिखाई पे स्टूडेंट काफ़ी अच्छे रहेंगे और इसमें किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में है तो आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही पुराने मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। नवंबर के महीने में लव लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। लव पार्टनर के साथ आप ढेर सारी मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, उनके साथ ज़्यादा ज़्यादा समय बिताएंगे। अब अगली यानी जो पाँचवीं राशि आती है दोस्तों, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि की जातकों को बता दें कि नवंबर का महीना आपके लिए बहुत लकी रहेगा। इस महालक्ष्मी योग के बनने के चलते अब आपके मुंह से जो भी निकलेगी हर इच्छाएं पूरी होती नजर आएगी। इसलिए तो कहा कि मुंह से निकलते ही हर इच्छा होगी पूरी और आप जीवन में सभी काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों पैसे के मामले में आप काफ़ी लकी रहेंगे। पैसे से जुड़ा मामला आपका हल होता नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए तो कहा है कि पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे। 72 वर्षों बाद इस महालक्ष्मी योग के चलते आपको नवंबर के महीने में काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। अब जो दोस्तों अगली यानी जो छठवीं राशि आती है, वो है यहाँ पर दोस्तों मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, नवंबर के महीने में इससे बन रहे महालक्ष्मी योग के चलते अब आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे, मान सम्मान प्राप्त करेंगे। राजनीति में आप जुड़ाव और लगाव रख सकते हैं। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक क्षेत्र में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं और शादी विवाह और फंक्शन में इसमें इंजॉय करते नजर आएंगे। दोस्तों के साथ घूमते फिरते नजर आएंगे। जो भी समस्याएँ, जो भी परेशानियाँ आपके जीवन में चल रही थी, अब नवंबर के महीने में अब दूर होगी, क्योंकि दोस्तों अब माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि आपके जीवन में रहेगी। जी हाँ, कई वर्षों के बाद ऐसा महाशुभ संयोग भी बनेगा जिसके कारण आपको लाभ होगा, क्योंकि नवंबर के महीने में दीपावली का पर्व और कई ग्रहों का राजयोग और धनयोग का निर्माण भी हो रहा है, जिसका सीधा सीधा लाभ आपको सुनने और देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली राशि है दोस्तों, वो है यहाँ पर तुला राशि। तुला राशि के जातकों, अब आपके जीवन में अनेक प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां थी, अब वो नवंबर के महीने में इस महालक्ष्मी योग के बनने के चलते दूर होंगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि से आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आप लाभ कमा पाएंगे। रुकावटें दूर होंगी, साथ ही लॉटरी सट्टा में लाभ कमा पाएंगे। इस समय नवंबर के महीने में आपकी लॉटरी लग सकती है। वहीं अगर आपने शेयर मार्केटिंग के क्षेत्र में पहले से अपने निवेश किया हो तो दुगुना धन लाभ कमा सकते हैं। जमीन प्रॉपर्टी में लाभ हो सकता है और रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में लाभ हो सकता है। लॉटरी सट्टे में भाग आजमाएंगे तो जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। अब जो दोस्तों अंतिम यानी अगली जो राशि आती है सातवीं, वो है यहाँ पर दोस्तों बता दें वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, अब आपकी किस्मत दिन दूनी तेज रात चौगुनी तरक्की करने वाली है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी की कृपा नवंबर के महीने में आपके ऊपर रहेगी। अब जो भी समस्याएं चली आ रही थी वो दूर होंगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से नवंबर के महीने में अनेकों प्रकार के लाभ कमा पाएंगे। आप अगर इसमें घर में कोई अच्छे कार्य करते हैं तो आपकी प्रशंसा भी होगी। साथ ही सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, समाज सेवी हो सकते हैं और माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा से धन इनकम में आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही बैंकिंग के क्षेत्र से कोई महत्वपूर्ण काम आपका पूरा होगा। नई नौकरी लगने की उम्मीद बनी हुई है। बड़ी कंपनी से ऑफर आ सकते हैं तो विदेश से भी आपको महत्वपूर्ण योजनाओं से लाभ हो सकता है। विदेशी कंपनी से लाभ होगा, विदेशी लोगों से जान पहचान और वहाँ पर आपके कोई काम रुके थे तो वो काम पूरे होते नजर आएंगे। साथ ही स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर होगी। तो दोस्तों इसीलिए तो कहा है कि पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे। 72 वर्ष बाद नवंबर में महालक्ष्मी योग के बनने के चलते इन सात राशियों की लगने वाली है लॉटरी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।